इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार को उसके परिवार को पुलिस ने बयान के लिए बुलाया था, जिसमें टीचर और उसकी मां पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाया। पुलिस के मुताबिक गौरव की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी टीचर आकांक्षा और उसकी माँ को आरोपी बनाया है। टीचर ने गौरव को ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से गौरव को आत्महत्या करनी पड़ी। इस दौरान उसकी चैटिंग भी पुलिस को मिली, जिसमें उसने आकांक्षा पर आरोप लगाए थे। गौरव के पिता राजू ने महिला थाने की TI और कार्यवाहक SI पर भी आरोप लगाए। उन्होंने आरोपों को नकारा था, जिसमें बेटे को ब्लैकमेल करने की बात कही गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी टीचर उससे 2.5 लाख रुपए वसूल चुकी थी। इसके चलते छात्र परेशान हो रहा था। इसके बाद टीचर उसे डरा धमका कर महिला थाने ले गई थी, जिसके बाद वापस आकर छात्र ने अपनी जान दे दी। हाँ, प्रकरण दर्ज हुआ है, मर्ग पर से प्रकरण दर्ज हुआ है। देखने में यह आया था कि जो मृतक है वो बेसिकली नंदा नगर में स्टेट फॉरवर्ड इंग्लिश एकेडमी है, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए जाता था। चूँकि B.Pharm का स्टूडेंट था, इंग्लिश उसकी कमज़ोर थी, तो वहाँ पर जो आरोपिया है उसके संपर्क में आया। जो आरोपिया है पूर्व में उसी इंग्लिश एकेडमी में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार होने के कारण उसी एकेडमी में पढ़ाने लगी थी, और जब ये पढ़ने गया तो वहाँ पर टीचर थी, तो उसके संपर्क में आया। बाद में उस लड़की के द्वारा उसको ब्लैकमेल किया गया, इतना हरास किया गया कि उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है। अभी तक के साक्ष्यों में यही प्रकट हुआ है, जिस पर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। सर, माँ की भी साजिश रही क्या इसमें बेटी के साथ? जी, माँ बेटी की साजिश थी क्या दोनों? हाँ, दोनों में अभी तक जो तथ्य मिले हुए हैं, जो डिजिटल एविडेंस है, उसमें से यही प्रतीत हो रहा है कि माँ और बेटी ने मिल करके और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जिस कारण से उसके द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठाया गया है।